तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल उस्ताद कार केयर पर। आज हमारे पास आई है टाटा मांझा, जिसकी की जो ग्लास है वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो अभी उसको चेक करेंगे क्यों ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। हो सकता है उसकी ग्लास मशीन खराब हो सकता है उसकी मोटर खराब हो, तो क्या कारण हो सकता है अभी देखते हैं उसको खोल के। तो आइए चलते हैं एक बार गाड़ी की तरफ। ये टाटा मांझा और ये हमारे पास आई है, क्योंकि इसका जो ग्लास है आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री हो चुका है, यानी कि ये हादसे में हुआ है। और मोटर जो इसकी काम नहीं कर रही है, पावर विंडो स्विच काम कर रहे हैं, मोटर काम कर रही है, लेकिन ये शीशा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी शायद जो ग्लास मशीन है वो वायर वाली होती है, तो वायर टूट गए होंगे। तो अभी मैं आपको ये खोलना और उसको रिप्लेस करना बताऊँगा। तो आइए एक बार आपको बताता हूँ अंदर से कैसे खुलेगा। अंदर इसके यहाँ पर इस जगह दिखाइए, यहाँ पर एक बोल्ट होता है, इसके यहाँ पर एक बोल्ट है, इसके अलावा एक यहाँ पर बोल्ट है, ये नीचे यहाँ पर बोल्ट है जो मैंने खोल दिया है अभी, और इसके अलावा इस जो पैनल के अंदर है वो बोल्ट है। तो अभी ये और नीचे वाला बोल्ट मैंने खोल दिया है, एक बोल्ट इसके यहाँ पर भी है नीचे की तरफ, जिससे कि ये पैनल खुलेगा। और ये पैनल इस तरह से आपको खींच के खोलना है, फिर उसके अंदर तीन बोल्ट और है वो खोलना है, वो पहले ये खोल देता है। तो इसको खींच के इस तरह से निकाल लेना है, ये इसका पैनल निकल गया है। अपनी ये जो तीन है, ये तीन स्क्रूज है, एक दो और एक तीन, ये तीनों स्क्रू हमको खोलना है, उसके बाद ये प्लाई बाहर आ जाएगी। तो खोलते हैं इनको एक बार। तीनों बोल्ट खोलने के बाद में ये प्लाई इसका निकल गई है, आप देख सकते हैं। अभी जो इसका है आखिरी लीवर का निकालेंगे, आखिरी लीवर निकल गया है और ये खुल गई है आपकी प्लाई। और अभी मैं आपको अंदर की तरफ से दिखाता हूँ, देखिए ये देखिए जो इसकी ग्लास मशीन है इसका ये वायर टूट गया है। अभी ये ग्लास मशीन भी आपको बाहर निकाल के मैं बताता हूँ कैसे निकलेगी, वो मैं आपको बताता हूँ। गाइस हमको 10 mm वाली जो है टामी लेनी है और हमको खोलना है एक दो तीन, ये तो हो गए ग्लास मशीन के बोल्ट, और ये हो गए एक दो और तीन, ये देखिए तीसरा बोल्ट, ये हो गए इसकी जो मोटर है उसके बोल्ट। तो अभी हम ये पांचों बोल्ट खोलेंगे और इसको बाहर निकालेंगे। पांचों बोल्ट हमने खोल दिए हैं और अभी ये निकालने से पहले हम शीशे को ऊपर करेंगे, वरना शीशा डैमेज हो जाएगा। अभी शीशे को हमने पकड़ के ऊपर कर दिया है।
लीजिएगा। सो गाइज अभी ये ग्लास मशीन अभी निकाली जा रही है और इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। इसका जो शीशा है ना वो निकालने में थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम ये ग्लास मशीन को निकाल रहे हैं। तो ये इस तरह से आ गया और ये जो शीशा जो है आपका ये वैसे नहीं खुलेगा। आपको ये देखिए ये जो है आपको अंदर की साइड से ये इस तरह से लगा हुआ होता है और ये इस तरह से लगा होता है। आपको जो शीशा जब उतारना है तो आपको ये जो चीज़ है इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। ये कनेक्टेड होती है इस तरह से। अगर ये इस तरह से कनेक्टेड है तो वो शीशा जो है वो नहीं हटेगा। शीशे के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, होल होता है, आप देखिए ये देखिए ये जो शीशे का होल है बताओ, ये शीशे के होल के अंदर ये ग्लास मशीन फिक्स हो जाती है और पीछे से ये लॉक लगाया जाता है तो ये इसके अंदर फिक्स रहता है। इसके साथ इस तरह से शीशा मूव करता है। तो गाइस ये हमने खोल दिए और अभी हम इसके अंदर लगाएंगे नई मशीन। देखिए अभी हम ये लेके आ गए ग्लास मशीन। ग्लास मशीन का जो ये पार्ट है ये इससे अलग आता है। ये मोटर अगर आपके ख़राब नहीं है तो आप इसको रिप्लेस मत करिए। मोटर जो है ग्लास मशीन के ये तीन स्क्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो तीन स्क्रू हैं ये खोलेंगे तो मोटर इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी और आप इसमें दूसरी ग्लास मशीन लगा सकते हैं। ये ग्लास मशीन अभी हमने फिक्स कर दी और डोर में कैसे लगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये लगाने के लिए आपको सबसे पहले मोटर को अंदर डालना पड़ेगा इस होल में से, सॉरी मशीन को अंदर डालना पड़ेगा, मोटर बाद में जा सकती है। तो इस तरह से एक बार मशीन को अंदर करेंगे और शीशे का जो लॉक है मैं ये बताना भूल गया था, शीशा जो है शीशे का जो होल है इसमें फंसेगा और फिर ये लॉक इस तरह से लगेगा इसके अंदर। तो अभी मैं इसको लगा के बता रहा हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से ग्लास मशीन को अंदर डालना है, इस तरह से मोटर को अंदर डालना है। ये थोड़ा सा आउट था इसलिए मैंने इसको दबा दिया यहाँ पर। अभी मतलब यहाँ निकल गया है। सबसे पहले हमको ये जो ग्लास मशीन है इसको यहाँ पर इस तरह से सीधा कर देना है। उसके बाद ये मोटर जो है इसको इसके जो है होल्स हैं इसके अंदर फिट करना है। ये जो है इस तरह से मोटर को लगा देना है। अभी ये मोटर लग गई है और इसके हम जो तीन बोल्ट हैं इनको थोड़ा थोड़ा, इनको पूरी तरह से अभी टाइट नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा लगाना है। चाहे तो आप दो बोल्ट लगा के छोड़ सकते हैं। अभी हमको बैठाना है ग्लास मशीन को। तो अभी ग्लास मशीन का एक ये होल है और दो ये होल है, इन होल में से ग्लास मशीन को निकालना है। अभी देखिए नीचे वाले होल के अंदर बैठ गई ये ग्लास मशीन। अभी ऊपर वाले होल के अंदर इसको फिक्स करना है। ये देखिए गाइस ये इस तरह से जा रहा है ग्लास मशीन के लगेंगे। अभी हम इसके बोल्ट भी दो जो है वो अटका के छोड़ देंगे। आपको ग्लास को पकड़े रखना है, अगर ये एकदम से गिरा तो ये टूट जाएगा। अभी हम इनको कस नहीं रहे हैं, बस थोड़ा सा अटका रहे हैं बोल्टों को। और इस ग्लास को कुत्ता सी ने होल्ड कर रखा है, ग्लास को ऊपर होल्ड करके रखना है। या तो आप टेप से चिपका सकते हैं या फिर किसी बंदे को इसको पकड़ा के। अभी ग्लास मशीन और मोटर लग चुकी है। अभी ये मेन काम जो ग्लास लगाना है, ग्लास को धीरे धीरे नीचे लेना है। ये इस तरह से ग्लास को नीचे लेना है और ये
जो होल है मशीन का उसके अंदर इसको फिक्स करना है। ये अभी फिक्स हो चुका है। अब देखिए मेरे को क्लोजअप दिखाओ, ये जो लॉक है मैं उसके अंदर फंसा रहा हूँ जो वाइट वाला है, अगर आप देख पा रहे हैं जो मैंने खुले में दिखवाया था। तो गाइज ये लॉक लगने के कट आवाज आएगी और ये आपकी ग्लास मशीन लग जाएगी, उसके बाद सिंपली हम प्लाई को लगाएंगे। अभी इनको बोल्ट को जब हमने ढीला छोड़ा था उसको टाइट कर देते हैं। गाइस अभी हम ये चैनल को लुब्रिकेट करेंगे क्योंकि ग्लास काफ़ी दिन से स्टक हो चुका था, इसमें जम रहा है और इसमें काफ़ी कचरा भी फंसा हुआ है, तो ग्लास को ऊपर नीचे होने में मोटर को लोड पड़ता है, मोटर लोड करेगी तो मोटर जल जाएगी। तो अभी इसको लुब्रिकेट करेंगे उसके बाद प्लाई लगाएंगे। तो ये देखते हैं गाइस, अभी हम ये लुब्रिकेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस अभी हमने लुब्रिकेट कर दिया है इसको, लुब्रिकेट करने के बाद हम प्लाई लगा रहे हैं। प्लाई लगाते समय सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसकी कॉलर जो है प्लाई के ऊपर रहती है, तो इसको कैसे इसको फंसाना है, देखिए ऐसे टेढ़ा करना है, इसको ऐसे लेना है और ऐसे इस तरह से ही ये टेढ़ा का टेढ़ा ही इसके बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपको पहले प्लाई एडजस्ट कर लेनी है। ये हमने प्लाई को एडजस्ट कर लिया है और अभी इसके जो लॉक्स हैं, आइए मैं लॉक दिखाता हूँ आपको। लॉक दिखाओ, ये जो इसके लॉक है आप मेरे फिंगर के पास में देख रहे हैं, ये वाले लॉक है, ये अंदर के होल में लगेंगे। तो इस तरह से इसको फंसाना है और पीछे की तरफ धक्का करना है, पुल करना है, तो ये लग जाएगा। अभी लग चुका है ये, हटवन। सो गाइस ये था टाटा मांजा का, हमने टाटा मांजा की डोर प्लाई खोली, उसके बाद में आइडेंटिफाई किया कि उसकी जो ग्लास मशीन थी उसकी वायर टूट गई थी, तो वो वायर हम वायर वापस से लगती नहीं है, तो हमने ग्लास मशीन डाल दी है। ऐसे कंडीशन में मोटर डालने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि मोटर आपकी चालू है, तो अभी हमने उसमें ग्लास मशीन डाल दी है। और इसी तरह के अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।